हाँ सच में तुम बिल्कुल अपनी प्रोफाइल पिक जैसी दिखती हो। जब मैं गोरिल्ला को पहली बार मिली थी तब मैं सिर्फ 23 साल की थी और मेरी जिंदगी में बाहर आ गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बैठकर कॉफी पीने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी यंग होगी। तुम्हारी उम्र क्या है? वैसे तो मैं 31 का हूँ लेकिन तुम मुझे छोटा ही समझो, ये ठीक रहेगा। तुम मुझे प्यार से गोरिल्ला बुला सकती हो। देखो गोरिल्ला, मैं गोरिल्ला जैसे करता हूँ। सॉरी। कहते हैं प्यार उस एक पल में हो जाता है जो पल हमें वो खास एहसास दे जाता है, और उस दिन वो पल आया जब वो अपनी छाती किंग कॉन्ग की तरह पीट रहा था। भौंकना बंद करो, जाओ यहां से। बहुत दिनों बाद याद आई। कैसी हो तुम? तुमने कॉल किया था या बटन गलती से दब गया था या फिर कल रात को पी ली थी? तुम उठ गई? मैं हैंगओवर के लिए सूप बना रही हूँ। क्या मैंने कल रात कुछ बकवास की? नहीं तो तुमने फिर से कोई खराब सपना देख लिया था क्या? हजार बार कहा है तुमसे अपने एक्सेस को मिलना बंद। गोरिल्ला ने मुझे मैसेज किया है। गोरिल्ला? तो फिर क्या? सब कुछ बहुत ऑकवर्ड था। मैंने अपना आपसे वादा किया था। हाँ, मुझे पता है तुमने वादा किया था और खुद ही वादा तोड़ भी दिया। तुम रो क्यों रही हो? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैंने भी तुमसे वादा किया था, अगर मुझे घसीटोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हे हंसना बंद करो और मेरे लिए कांच पढ़ो। मुझे कई दिनों से अजीब सपने आ रहे हैं पर रियलिटी उससे भी बदतर है। मुझे दीवार पर सर मारने का मन करता है। मेरे भाई भी मुझसे अजीब बर्ताव करने लगे हैं। सिर्फ एक साल? क्यों, सोशल मीडिया के बर्ताव से खुश नहीं हो क्या? वो बात तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। तो मेरा ये प्रस्ताव है, एक साल के लिए मेरे साथ, और जब भी तुम्हें लगे तुम छोड़कर जा सकती हो। तुम्हें पता है तुम अभी उतने ही बदतमीज हो। तो आप सब जानते हैं कि मेरी शादी का प्रपोजल का क्या हाल हुआ था। पूरा शो ही फ्लॉप हो गया, लेकिन फिर भी मेरा मिशन अब भी ऑन है। मुझे एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ कर जल्दी से जल्दी शादी करनी है। अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में भेज दीजिए और विजेता को मिलेगा फ्राइड चिकन। जी हाँ, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि मैं प्रतियोगियों को कहाँ ढूंढ सकता हूँ। चैट बॉक्स को आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। जल्दी से अपने जवाब भेजिए। ओ डियर, अपने कुत्ते को घुमाने लेकर आना। अच्छा, अपने कुत्ते को किसी पार्क में घुमा कर क्यों नहीं लाते? डॉक्टर, कुत्ते के साथ कुत्ते को बाहर क्यों नहीं ले जाते? इन सबको कुत्ते की इतनी परवाह क्यों है? लेकिन अगर क्या मैं कुत्ते को घुमाने ले जाऊंगा तो लड़कियां मुझसे बात करेंगी,
मेरा मतलब है कि क्या कुत्ते को पार्क में घुमाने से लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगी और वो मुझसे बात करने लगेंगी? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ गाइस, तुम मेरी मॉम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वो अपने कुत्ते से डेटिंग लेसन ले रहा था, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुम भी ना, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। बाय द वे, उस कुत्ते का नाम चोई क्यों था? मेरे डैड ने डॉक्टर चोई को लोन दिया था और उसके बाद उनका दिवाला निकल गया था और फिर वो उनके पीछे सिर्फ एक कुत्ता छोड़कर गए थे। तो इसका मतलब ये कुत्ते की कहानी थी? नहीं, डॉक्टर चोई हर वक्त चिल्लाते थे, जैसे कि मैंने कितनी बार कहा भौंकना नहीं है। ओह, अब पता चला। बाय द वे, मैं इनमें से एक चुनूं? वैसे तुम जा कहां रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो। अब मैंने तो यूं ही पूछा, अच्छी लग रही हो। ये तरीका बहुत पुराना हो गया है, एक्स का प्लान तो कब का फेल हो चुका है, तो अब मैं लास्ट रिजॉर्ट जा रही हूँ अपने पहले प्यार से मिलने। ओह, मैंने कल रात शराब पीकर अपने पहले बॉयफ्रेंड को कॉल किया था और अब मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ। मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, एक नंबर की इडियट। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तुम बता सकते हो, क्या बात है? कुछ खास नहीं, मुझे लगा कि कल रात शायद तुमने कुछ ज्यादा पी ली थी और शायद हमें कुछ अच्छा खाना मंगवाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता मुझे सिर्फ लगा कि हमें मिलना चाहिए क्योंकि मैंने सुना तुम यहाँ वापस आ चुके हो। हम 5 साल बाद मिल रहे हैं, क्या हम सिर्फ खाना खा सकते हैं? तुम पहले बहुत शर्मीले थे, अब कितनी बातें कर रहे हो। तुम अच्छी लग रही हो। जो गुरिल्ला एक घूंट भी नहीं पी पाता था, इन 3 घंटों में उसने वाइन का आधा ग्लास खत्म कर दिया था। तब मैंने रियलाइज किया कि वो मेरी पहली कहानियों की किताब की प्रेरणा कैसे बना और क्यों मैं अपने आप को उसे कॉल करने से रोक नहीं पाई। मुझे अब एहसास हो रहा है। उसके बाद मैं वहां से निकल गया और मैंने कहा कि कई बातें की, अब बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए। हम खूब हंसे, बहुत मजे किए। अगर हम उस वक्त की जगह आज पहली बार मिलते तो क्या कुछ अलग होता? मैं तो क्या, तुम मुझे पागल कर दोगे? तुम्हें हमारे फ्यूचर का सोचना चाहिए। हम शादी करके बच्चे पैदा करके खुशी से साथ में रह सकते हैं। मैं अपने फ्यूचर से दूर भाग रही हूँ। मैंने 1000 बार सोचा कि अगर हम कभी और मिलते तो क्या क्या अलग हो सकता था। मैं अभी सिर्फ 24 साल की हूँ। क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि चीजें कैसे बदल जाती हैं, है ना? काश हम एक दूसरे से कुछ दिन बाद मिलते। ये तुमने 5 साल पहले भी कहा था, तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ। By the way, अब तो तुम 30 की हो चुकी हो ना?
बिल्कुल गलत बात है, मैं सिर्फ 29 की हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली। नहीं बदली, इसका क्या मतलब? मेरा मतलब कि तुम अभी भी लड़की की तरह शर्माती हो। अच्छा, वो तो मेरी मासूमियत है जो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। एक बात बताओ, तुम अब तक सिंगल क्यों हो? कोई मुझे मिला ही नहीं। कोई मिला नहीं मतलब कोई लड़की नहीं? मैं हमेशा से तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता था। परमिशन हो तो मैं किस कर सकता हूं। एक सेकंड। ओह, बस एक कॉल। ओके। हाँ हाँ, गोहिरा और यूची मीन की शादी में आपका इंतजार रहेगा। सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके, बाय। सॉरी, थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया। कोई नहीं, उसकी चिंता मत करो। दर्द हुआ? लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों? बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। जियोन, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? हाँ, मैंने कहा था वो सिर्फ दोस्त है। दोस्त? कौन एक दोस्त को इस तरह से छूता है? मुझे पता है तुम कई दिनों से ये सब कर रहे हो। मैंने ये सब नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की। सब खत्म करते हैं, तुम उसके पास जा सकते हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? जो मैंने किया ही नहीं उसका इल्जाम लगाना बंद करो। तुम्हारा ये बर्ताव मुझे पागल कर देगा, पूरी तरह पागल कर देगा। तो मिस्टर टैरो मास्टर, आपकी दिव्य दृष्टि काफी नाजुक है। तो अगली लाइन क्या होगी? तुम्हें कौन सी शैली पसंद है? अगर एक्शन हुआ तो घूसा मारूंगी, और अगर थ्रिलर हुआ तो जान से मार दूंगी। मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे तुम्हारी ये पसंद नहीं पता थी, लगा तुम अब भी कल्पनाओं में जीते होंगे। असल में प्रेमी सिर्फ एक ही कारण से अलग होते हैं, अगर उनमें प्यार ही ना हो तो। आमतौर पर लोग झगड़ कर अलग होते हैं और उसी वजह से आप किसी को पसंद करने लगते हो। कल्पनाएं वास्तविकता नहीं होती, एक कचरा ही कचरे को ठोकर मार सकता है। ऐसे ही दुनिया में हम जीते हैं। तुम इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करती हो? तुम्हारी वजह से। उप्स, मेरा मतलब तुम नहीं थे। हाँ।
खत्म हो गया प्यार। क्या कहा? मैंने कहा प्यार। वो लड़की अब भी उस लड़के से बहुत प्यार करती है। मेरे नजरिए से यह सिर्फ उसके प्यार जताने का तरीका है। ओह, हाँ। तुम्हारे हिसाब से इसमें किसकी गलती है मिस रेगुलर कस्टमर? लड़की की। लेकिन मुझे तो लगा था कि लड़का धोखा दे रहा है। बात किसी के धोखा देने की या ना देने की नहीं थी। उसने उस लड़की को इस तरह परेशान किया कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई। इस तरह से देखा जाए तो गलती लड़के की है। सही कहा ना? नहीं, गलती उस लड़की की थी जो उसने इस तरह की गलत लड़की को अपने लिए चुना। बाय द वे, वो तुम्हारी ही भविष्यवाणी थी ना? मैं तुमसे नहीं जीत सकती, तो बताओ सच क्या है? टैरेट किसी का नसीब नहीं बदल सकता। हाँ, किसी को जबरदस्ती शादी करने के लिए कहना गलत है, लेकिन उसने खुद कहा था कि उसे पार्टनर ढूंढने में मदद चाहिए, और इसलिए मैंने उससे कहा कि उसे जो ना पसंद हो उसे वो फिल्टर करती जाए। और तुमने कुछ लोगों को फिल्टर किया भी। क्या ये सच नहीं है मिस रेगुलर? तो एक बार की बात है, एक बहुत ही आसानी से डरने वाला गोरिल्ला था। एक दिन उसने एक लड़की को देखा और उसे देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। मेरे कहे अनुसार उसने 100 दिनों तक सिर्फ सब्जियां और अदरक खाया, पर बाद में पता चला कि वो सारे दूसरे देश से आए थे और ऐसे वो किसी टूरिस्ट ग्रुप के टूरिस्ट बने। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं ये सब बता रही हूँ। क्या आपने कभी सैंपलिंग के बारे में सुना है? क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। hey, मैं अभी बताती हूँ। मुझे सच बताऊं तो मैं इस वक्त जरा भी मूड में नहीं हूँ। असल में मैंने दुल्हन को QR कोड में प्रस्ताव भेजा था कि तुमने एक कचरे को चुना है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है कुछ ही दिनों में। मेरा प्यार एक अलग चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन मुझे अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ आ चुका हूँ। वेलकम टू डॉग्स हेवन, सुपर्ब। वाह, क्या जगह है ये, एकदम कमाल की। वाह, ये तुम पीछे क्या करो, आ गया हो। देखो मेरी नजर तुम पर रहेगी। तुम्हें किसी अच्छी कुतिया को नहीं पटाना है, बल्कि उसकी मालकिन को पटाना है। समझ गए ना हमारा मिशन क्या है? हा? अगर मालकिन खूबसूरत निकली और उसका कुत्ता मेल हो तो समझ लो कि हम जीत गए। समझे? समझेगी नहीं। चलो डॉक्टर चॉय, जाओ भागो। Oh,